के नतीजे आ रहे हैं अभी चुनावों के, किस तरह से देख रहे हैं आप जो? मैं तो समझता हूँ फ्रॉड है, वेरी क्लियर। और दूसरा नंबर, अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बसोली, एक रुपये का काम, एक पैसे का काम बीजेपी बता दे, कैंडिडेट तो छोड़ ही दो ना, हो तो समझो कि नया चेहरा, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि बीजेपी एक काम बताए कि कोई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल भी खोला है, कोई डिस्पेंसरी खोली है, कोई एक किलोमीटर सड़क बनाई है, कोई एक पैसे का काम बता दे, मैं मान जाता हूं कि बोर्ड लेने लोगों ने डाले। और दूसरा नंबर, जिस इलाके में दो डिग्री कॉलेज चौधरी लाल सिंह, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां दो डिग्री कॉलेज लाल सिंह ने दिए हुए। आई वॉज एमपी, मैं 18 डिग्री कॉलेज लाया था और एक एमपी तो एक स्कूल भी ला पाया। और दूसरा नंबर, उसके बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब मॉडल हॉस्पिटल एक ही है जम्मू कश्मीर में, वो बसोली में है, और बसोली में एक ही नंबर फर्स्ट जो हाई सेकेंडरी स्कूल, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट बना था पहला, वो एक ही है बसोली में। और जो सड़कें हैं, वो रास्ते हैं, जो काम किए हैं, मैंने कोई 20 तो हाई सेकेंडरी स्कूल और कोई 40-50 तो हाई स्कूल और 100-150 तो प्राइमरी स्कूल बनाए हैं मैंने, और सैकड़ों लोग मैंने टीचर लगाए हैं रायबरेली में। सर, क्या कारण है, क्यों लोग आज क्यों? और ये जो कारण एक सबसे पहले है कि कोई अंदर बैठने नहीं देता है। पहले सुन लो मेरी बात, यहाँ मैं जब कहता हूँ कि हमें दरवाजे के बाहर बैठने दो, जब मैं बैठा था 96 में, जब लोगों ने कहा था बैठा था, आए कहा तो ये चौनी का कैमरा लगा के बाहर बिठा दे जबरदस्ती। हमने हम ये मानने को तैयार नहीं कि ये सारे का सारे शेह के शेह सीट लिया ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब आपको बैठने की इजाजत ही नहीं है अपने स्ट्रांग रूम के बाहर, तो आप क्या सोच सकते हो? और दूसरा नंबर, जो बदमाशी है, आप नोट कर रहे मेरी बात, पूरे जम्मू सूबा में आप नोट करोगे, आप ये जाके जम्मू वाले एमएलए को पूछो, कठुआ वाले को पूछो, किसी को पूछो, पूरी रात एक जो जिस दिन सेकंड डे बोर्ड पढ़ने हैं, पूरी रात शराब और गाड़ियां टूटी हैं लोगों की। क्या जनता ने प्यार दिया चौधरी साहब को, परंतु यहाँ पर धांधली हुई है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताइए, मैं इतने मैंने इतने इलेक्शन जीते हैं, मुझे बताइए, मुझे बताएगा कोई आज इलेक्शन सिखाएगा क्या? और मैं एक एक घर गया हूँ, मुझे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, सर आपने हमारा ये काम नहीं किया। मुझे एक बंदा भी मेरे से रुसवाई करता, कोई तकलीफ करता, कहता कि जनाब मैं आपके पास गया था, आपने मेरा कोई काम नहीं किया। कोई इलाका बोलता कि मेरी डेवलपमेंट आपने की, तो मैं मान जाता कि कोई मेरी कोई गलती हो सकती है। ओवरऑल जो सरकार है वो एनसीओ कांग्रेस की वो तो बननी है, वो तो बननी है, वो अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं 40 प्लस का जो आंकड़ा बननी है, वो तो बनेगी, क्योंकि डोडा बचा गया इनको, पुंछ और जोरी बचा गया। जम्मू का जो हमारे 3-4 जिले है, इनमें इतना बकवास हुआ, इतना गड़बड़ी हुई है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हो सकती है, वो लोग नहीं होने देते, उनमें दम है, नहीं होने देते। कश्मीर में घुसने नहीं देते, डोडा किश्तवाड़ में इनका हाल करने नहीं देते, पूर्ण चोरियों में करने देते, आप यू नो बेहतर। अगर इनको पता होता सरकार हमारी बननी है, तो ये 5 नॉमिनेटेड सीट क्यों डिक्लेयर करते, बताइए मुझे। तो 5 और दूसरा नंबर, ये गवर्नर को सारी पावरें पहले क्यों दे देते? क्योंकि कोई सरकार, अगली डेमोक्रेटिक सरकार रहे ना, कोई सरकार बने ना, हमें इस बात की चिंता है कि जम्मू कश्मीर का जो हाल है। अभी बताइए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी कल इन्होंने मत्था टेका मीटर को, स्मार्ट मीटर को, बीच में जियो और उसके बाहर अडानी लगाए, मुझे बताइए कि कौन सी जरूरत पड़ गई थी इन लोगों को? अभी लोगों ने वोट डाल के अभी फ्री हुए हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, आप यू नो बेटर, कोड ऑफ कंडक्ट में जितना बकवास काम है, एक मिनट में इनकी ट्रांसफर हो जाती है, जितनी ट्रांसफर इन्होंने की है, चाहे पुलिस की है चाहे दूसरी है, कोई सोचिए कि जो इनको चाहिए इन्होंने ट्रांसफर कर दी, मुझे बताओ अचानक ट्रांसफर होने का मतलब नाराजगी? मुझे कोई नाराजगी नहीं, मुझे उन्होंने 4 बार एमएलए रहा हूं मैं, मुझे कभी मैं क्या नाराजगी हो सकती है? मेरे लोग हैं,
मेरे अजीज हैं बेचारे, काम आए मेरे पास ही आए, वो मेरी कर्म भूमि रही है, मैं उसको कभी नहीं बोल सकता। आई कौन ठाकुर साहब, आप समझिए, आप आर से लगता है विकृत नहीं है, आर से विकृत नहीं लग रहे हैं आप? मैं क्यों विचित्र लगूं? मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है, मैं इतना कुछ कर चुका हूं, मैं विचित्र क्यों हूंगा? मैं और मेरे वर्कर स्ट्रांग है, वी आर फेस एवरी कॉन्सिक्वेंस। मेरे से ज्यादा मैं छह साल से लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ लड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ अकेला और आपके सामने सड़कों पर रहा हूँ, मैंने परवाह नहीं की किसी की, और मुझे विचलित करेगी हार, हार मैं कोई हार शार नहीं मानता। दर्शन ठाकुर का कहना है कि बसोली की जनता बदलाव चाहती थी। मैं कहता हूँ सरकार बनने के बाद जो होगा, पहले सुनिए, जो गवर्नर की पावरें हैं वो जिसको दी हैं वो उसके पास, गवर्नमेंट के पास पावरें रहती कितनी है, होती कितनी है, डेमोक्रेसी का कत्ल कितना तक हो सकता है, कहाँ तक लोकतंत्र बच सकता है? मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ना बेकार हो चुका है। अब मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे 60 सीटें हरियाणा में आ चुकी थी, 61 आ चुकी थी, अचानक 33 हो गई। ठाकुर दर्शन सिंह का कहना है कि बसोली की जनता बदलाव चाहती थी, और उसकी बात क्या जवाब? अजीज है, बच्चा है मेरे, बहुत है। बसोली की जनता के लिए आखिर में संदेश क्या रहेगा जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया? बसोली की जनता के लिए ये कहूंगा कि कभी किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई काम हो, कोई ना आपका काम कर पाए, आपको पता है कि आपका काम होने का दरवाजा बंद हो चुका है, सरकार आपकी बनने जा नहीं रही, सरकार हमारी बन जानी है, आपका सत्यानाश कर दिया है, आपके जो हुआ जो भी हो चुका है, इसलिए अभी भी जो विचारों के काम काज बचेंगे मेरे पास आएंगे, कहाँ जाएंगे इसको कहो मुझे जो दिल लोग डोमिसाइल से खुश नहीं है तो आपकी सरकार क्या करेगी? डोमिसाइल से फसल देने डोमिसाइल वो सरकार बनने तो दो फिर। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 01912554360 2554359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।